हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। हल्द्वानी में कालाडोंगी विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं की 29 विधानसभाओं के लिए जनसंपर्क यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत ने हरी झंडी दिखाकर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि यह यात्रा 70 की 70 विधानसभाओं में लोगों के बीच जाएगी और उनसे जनसंपर्क करेगी। उनके सुझावों के बाद ही भाजपा का घोषणा पत्र बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर से जोगेश्वर से विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा, जो पूरी विधानसभा में जाएगी और लोगों को भाजपा सरकार के कार्यों के बारे में बताएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेगी और उनकी समस्याओं का निर्धारण करने के लिए अधिकारियों को अवगत कराएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेगी और उनकी समस्याओं का निर्धारण करने के लिए अधिकारियों को अवगत कराएगी। पिछले 5 वर्षों में जो सरकार के द्वारा जो काम हुए, जो हमने जो है जनता के बीच में जो काम ले गए माननीय मोदी, उन सभी कामों को इस रथ के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा और साथ में उनके सुझाव भी लिए जाएंगे कि आगे का जो भविष्य का उत्तराखंड है, जो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, आदर्श राज्य बने, उसके लिए हम सभी के विचार जो है आमंत्रित लोगों के सुझाव और सुझाव उसी पेटिका के माध्यम से लिए। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।